खबर वैशाली जिले से है, जहां जिले के अलग अलग प्रखंडों में अलग अलग दिन भाजपा के खिलाफ जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा मशाल जुलूस निकाला जा रहा है, जिस दौरान आज लालगंज के जदयू कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, जाति आधारित गणना के विरोधी भाजपा मुर्दाबाद एवं आरक्षण नीति के विरोधी प्रधानमंत्री मुर्दाबाद जैसी नारा लगाते हुए हाथ में मशाल लेकर पुरानी पोस्ट ऑफिस चौक से गांधी चौक होते हुए तीनपुलवा चौक तक गए, जहां सभा को समाप्त किया गया। वहीं जुलूस में शामिल लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, जाति आधारित गणना को रोकने के लिए वह अपने अलग अलग लोगों से कभी केस करवाता है तो कभी अपने लोगों से विरोध करवाता है। विदित हो कि पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भाजपा के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाने का अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया था। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय दिल्ली में G20 के बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हुए हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। और इधर नीतीश कुमार के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा के खिलाफ मशाल जुलूस निकाल रही है। वहीं जब हमने मशाल जुलूस निकाल रहे लोगों से पूछा कि एक तरफ जब नीतीश कुमार मोदी से मिल रहे हैं तो फिर मशाल जुलूस निकालने का राजनीति कैसा है, जिस पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के बुलावे पर नीतीश कुमार नहीं गए हैं, बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बुलावे पर नीतीश कुमार दिल्ली G20 के बैठक में भाग लेने गए हैं, जहां प्रधानमंत्री से औपचारिक मुलाकात हुई है। बता दें कि इंडिया का नाम भारत रखने पर भी लोगों ने कहा कि इंडिया महागठबंधन जब से बनी है तब से प्रधानमंत्री डर गए हैं, इसलिए इंडिया से भारत कर रहे हैं। हालांकि जदयू के कार्यकर्ता भी भारत का समर्थन करते दिखे। उन्होंने कहा कि मैं भारतवासी हूँ, भारत का समर्थन करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जातीय जनगणना हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कराया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रहा है। अपने लोगों द्वारा कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध करने के लिए अपने लोगों को खड़ा करता है, उसके विरोध में हम लोग जो है, और अति पिछड़ा आरक्षण का जो विरोध कर रहे BJP, उसके विरोध में मशाल जुलूस और कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। आगे BJP के द्वारा कई नीति ऐसा लाया जाता है जिससे अन्य पार्टियों को बहुत खराब लगता है, तो आगे किस प्रकार की कार्यक्रम करेंगे? देखिए, हमारे नेता इस चीज़ का तय करेंगे, जो नीतीश कुमार जी है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और आगे उन्हीं के दिशा निर्देश पर हम लोग अभी अपना चलते जा रहे हैं। तो ये नीतीश जी के दिशा निर्देश पर हो रहे हैं। आज नीतीश जी जो है G20 के मीटिंग में मोदी जी से हाथ मिला रहे हैं, बैठक में शामिल हुए हैं, और कांग्रेस जो है इस बात की विरोध कर रही है, कांग्रेस के नहीं गई है G20 की बैठक में और नीतीश जी गए हैं, और एक तरफ आप मोदी का विरोध कर रहे हैं, तो इसे कैसा राजनीति कहा जाए? देखिए, ये G20 जो था ये भारत देश का था, इंडिया का था, ये पूरे देश के मुख्यमंत्री गए हैं, केवल नीतीश कुमार नहीं गए हैं वहाँ, और राष्ट्रपति के बुलावे पर गए हैं, न कि नरेंद्र मोदी के बुलावे पर गए हैं, राष्ट्रपति के बुलावे पर गए हैं। हमारा बिहार का कैसे विकास हो इसके लिए गए हैं वो, तो ये राष्ट्रपति के बुलावे पर गए हैं, न कि प्रधानमंत्री के बुलावे पर गए हैं। तो आप लोग इंडिया गठबंधन किए हैं, जदयू उसमें शामिल है, और वहाँ पे भारत की मीटिंग चल रही है, अभी भी आपके रैली में एक आदमी भारत जिंदाबाद कर रहे थे, फिर इंडिया तो मेरा भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आर्यावाद जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। जब नरेंद्र मोदी भारत, इंडिया का नाम भारत कर रहे हैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में, तो फिर छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनमें खलबली क्यों मच रही है? नहीं नहीं, ये आप लोग भारत का समर्थन कर रहे हैं क्या? हम लोग, अरे मेरा भारत देश है, इंडिया देश है, हिंदुस्तान देश है, आर्यावर्त देश है। डर तो वो लोग गए हैं, BJP वाले डर गए हैं कि इंडिया गठबंधन बन गया है, और ये जान लीजिए कि माने नारा है जीतेगा इंडिया, एकदम इस बार दिखाएगा इंडिया, तो इसीलिए नाम चेंज किया जा रहा है। इसीलिए वो लोग डर गए हैं, डर के मारे जो है नाम चेंज कर रहे हैं और भाग रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम किया गया है, केंद्र सरकार के जनगणना विरोधी के उपलक्ष्य में हम लोग मशाल जुलूस का आयोजन किया गया है। अभी नारेबाजी कर रहे थे मोदी और नीतीश जी के, क्या लगता है कि ये जो आरक्षण विरोधी नीति है वो मोदी जी का ही है? बिल्कुल मोदी जी का है, केंद्र सरकार का है, भाजपा सरकार की है। आज की इस मशाल जुलूस में RJD आपके साथ नहीं थे? नहीं, आज इंडिया गठबंधन के तहत जो है जदयू का, सिर्फ जदयू का जो है मशाल जुलूस था। क्या नाम है आपका? अमिताभ कुमार कमलेश, प्रखंड अध्यक्ष जदयू लालगंज।